वेलकम टू माय चैनल अपना इंश्योरेंस वाला। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपसे बहुत जरूरी सवाल पूछना चाहती हूँ। फ्रेंड्स, सोच के देखिए, अगर आपके एक फ्रेंड को पैसों की ज़रूरत है तो आपके लिए क्या आसान होगा, 5 लाख रुपए का अरेंजमेंट करना या 15,000 रुपए का अरेंजमेंट करना? जाहिर सी बात है, 15,000 रुपए। इसी तरह अगर आपको कोई इमरजेंसी में पैसों की ज़रूरत पड़ी तो आपके फ्रेंड के लिए कितने रुपए की मदद करना, आपको देना में आसानी होगी, 5 लाख या 15,000 रुपए? आपका उत्तर फिर 15,000 ही होगा। जाहिर सी बात है कि एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए 15,000 रुपए जुटाना आसान है 5 लाख की तुलना में। अगर आपको अचानक 5 लाख की ज़रूरत पड़ जाए तो शायद आपको कोई फ्रेंड्स को रिंग करना पड़े, कई दोस्त शायद डायरेक्ट मना कर दे, कई बहाना बनाकर मना कर दे। एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए अचानक 5 लाख का इंतज़ाम करना एक बहुत ही कठिन समस्या होती है। दोस्तों, सोच के देखिए, अगर आपके परिवार में कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई, ऑपरेशन तुरंत होना है, तो इतने पैसों का अरेंजमेंट कैसे होगा? आज दिन पर दिन मेडिकल के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे हैं, साथ में रोज नई बीमारियां जन्म लेती हैं जिनका खर्चा लाखों में आता है। ऐसे में मेडिकल इंश्योरेंस ऑप्शनल नहीं, एक ज़रूरत बन गया है। कम उम्र में आपको कम किस्त में इंश्योरेंस मिल जाता है, पर जैसे जैसे उम्र बढ़ती है बीमारियों का चांस भी बढ़ता है और मेडिकल इंश्योरेंस की कॉस्ट भी बढ़ती है। तो दोस्तों, मेडिकल इंश्योरेंस लेना बहुत ज़रूरी है। आज की डेट में नॉर्मल बेड के पर डे चार्ज 5,000 से लेकर 10,000 हैं और आईसीयू चार्जेस 30,000 से लेकर 50,000 पर डे हैं। पर ये काम आसान हो जाएगा अगर आपके परिवार का हेल्थ इंश्योरेंस होगा जिसकी सालाना कॉस्ट 15,000 ही होगी, यानी आपको एक साल में केवल 15,000 रुपये जमा करना होगा। तो फ्रेंड्स, मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको क्या लगता है कि 5 लाख रुपए देना आसान है या 15,000 रुपए देना आसान है। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगी कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस लेते वक्त किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड प्रेस द बेल आइकन।